नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश प्रजापति स्वागत करता हूँ आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ गंगा सती पानबाई आश्रम समढ़िया। दोस्तों ये जगह बहुत ही खास है क्योंकि गंगा सती पानबाई को गुजरात के मीराबाई भी कहा जाता है। तो क्या है यहाँ का इतिहास, सब कुछ जानेंगे, वीडियो को अंत तक देखिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शुरू कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा सती पानबाई आश्रम समढ़ियाला। दोस्तों यह आश्रम भावनगर जिले के धोला शहर से लगभग 8 से 9 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों गंगा सती पानबाई को गुजरात के मीराबाई भी कहा जाता है और इनके बहुत सारे भजन पूरे गुजरात में प्रचलित है। वैसे तो उनके जीवन के बारे में कोई प्रामाणिक जानकारी उपलब्ध नहीं है क्योंकि उनके भक्ति गीत और भजन की कहानी के मुख्य रूप से ही मौखिक परंपराओं द्वारा प्रसारित हुई है। गंगा सती का जन्म 1846 में भावनगर जिले के पालीताना तालुका के राजपुरा गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री भाई जी जैसा जी सरवैया और माता का नाम रूपाली बा था। गंगा सती की प्राथमिक शिक्षा भी इसी गांव के विद्यालय में हुई थी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा से आगे पढ़ाई नहीं की थी। गंगा सती भक्ति आंदोलन की मध्यकालीन कवियत्री थी। उन्होंने गुजराती भाषा के कई सारे भजनों की रचना की थी। गंगाबा का विवाह 1864 में भावनगर जिले के समतियाला गांव में राजपुर गिरसदास श्री कलसंग बापू से हुआ था। उस समय राजपूतों में दूल्हे के साथ दासी भेजने का रिवाज था। अपने पिता के अनुरोध पर गंगाबा ने पानबाई का नाम लिया, इसलिए पानबाई के गंगाबा के साथ सेविका के रूप में भेजा गया था। पानबाई गंगा सती के सेवक मित्र और शिष्य थे। विवाह के बाद दंपति भक्तिमय जीवन जी रहे थे और उनके कोई संतान नहीं थे। एक दिन जब कलसंग बापू ने एक ब्राह्मण की मरी हुई गाय को जीवित कर दिया तो गंगा सती बा ने उनके संतत्व को शीघ्र ही प्रकट करने पर आपत्ति जताई। फिर कलसंग बापू ने 3 दिन में समाधि लेने का निर्णय लिया। गाँव वालों से कहा कि वे एक संत की तरह मेरे पार्थिव शरीर को दफना दे, लेकिन ग्रामीणों ने दाह संस्कार करने के लिए शव को चिता पर रख दिया, लेकिन 1.5 दिन तक आधा शरीर नहीं जल सका। अंतकरण कहलसंग बापू की आत्मा की शांति के लिए काफी प्रार्थना के बाद दाह संस्कार संपन्न हुआ। कहलसंग बापू के निधन के बाद गंगा सती और पानबाई ने भक्ति का जीवन जिया। प्रतिदिन शाम को कहलसंग बापू के समाधि के निकट उनके आवास परिसर में सत्संग होता था। गंगा सती संवाद के माध्यम से पानबाई और उपस्थित अन्य लोगों को आध्यात्मिक संदेश समझाती थी और पास के पिपराली गांव का एक व्यक्ति भुदरदास श्रीमाली जो सत्संग में नियमित रूप से आता था, परिसर की एक झोपड़ी में रहकर गंगा सती और पानबाई के गाद सत्संग को काव्यात्मक भजनों में परिवर्तन करता था। आज के दिन गंगा सती और पानबाई के जितने भी भजन हम भाव से सुनते हैं और पसंद करते हैं, उन सभी भजनों को उमराला तालुका के पिपराली गांव के श्री भुदरदास श्रीमाली द्वारा लिखे गए हैं। Thank you.
फ्रेंड आश्रम के दर्शन हमने कर लिए है। तो फ्रेंड अब मैं यहाँ से आपको लेकर चलता हूँ एक और बहुत ही खास जगह है जो कि है कापड़ी धाम, जो कि एक मेलविमा का धाम है जो यहाँ से लगभग 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। तो चलिए अब चलते हैं कापड़ी धाम। तो फ्रेंड हम पहुंच चुके हैं कापड़ी धाम। तो चलिए अब दर्शन करते हैं कापड़ी धाम। दोस्तों कापड़ी धाम मेलड़ी माता का बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। दोस्तों ये जगह पानबाई समटियाला से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों हम यहाँ पर दोपहर के समय आए थे इसलिए यहाँ पर अभी भीड़ नहीं है। अगर आप रविवार और मंगलवार के दिन आते हैं तो यहाँ पर आपको काफी सारे भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी। फ्रेंड आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो एक लाइक जरूर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। जल्दी ही मिलेंगे और किसी नई जगह पर। तब तक के लिए गुड बाय। अपना ख्याल रखिए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।